तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्जाम इसी मंथ में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हुए हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको क्लिक करके आल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी प्रकार की ट्रिपल सी से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, अगर आपने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है तो इसको ओपन करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से रिडायरेक्ट पहुँच जाइएगा वेबसाइट पे, ठीक है। और ये आपके भाई का फेसबुक पेज है, अगर इस पर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के टेस्ट स्टार्ट किया जाए। आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो नंबर एक है गूगल, बी नंबर ओपरा, सी नंबर क्रोम, डी नंबर सफारी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको मालूम तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। गूगल, गूगल आपका एक प्रकार का क्या नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है, क्योंकि गूगल एक प्रकार का क्या होता है, सर्च इंजन होता है, और अपरा, क्रोम, सफारी ये हमारे वेब ब्राउजर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WW का पूर्ण रूप क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो WW, आई होप अभी आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि WW का फुल नेम क्या होता है। तो WW का फुल नेम होता है क्या, नंबर एक ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, नंबर बी है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, और सी नंबर है वर्ल्ड वेबसाइट वेब, डी नंबर नन। तो सिमिलर देखने को मिलेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा तब उसका आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, वर्ल्ड, सॉरी ये नहीं होगा, ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज जाएंगे कि सिमिलर देखने को मिलेंगे ना तो कन्फ्यूज होते हैं, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर सेलेक्ट करना है। WWW का फुल नेम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह का निरूपण करता है? तो नंबर एक कंप्यूटर सिस्टम, नंबर बी है सर्किट बोर्ड, सी नंबर मोबाइल डिवाइस, डी नंबर में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारे इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग सभी का यानी कि सभी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेस्कटॉप के आइकन, तो नंबर एक ऑप्शन इसमें बढ़ाए जा सकते हैं, डिलीट किया जा सकते हैं, हाइड किया जा सकते हैं, डी इनमें से सभी। तो जो डेस्कटॉप पे आपको आइकन छोटे छोटे देखने को मिलते हैं जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, तो छोटे छोटे जो बने होते हैं फोल्डर फाइल आपके, वही होते हैं आइकन। तो इनको हम बढ़ा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी यानी कि इनमें से सभी, इनमें से सभी, ठीक है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड की शॉर्टकट कीज क्या होती है? नंबर एक कंट्रोल प्लस यू, बी नंबर कंट्रोल प्लस एफ, सी नंबर कंट्रोल प्लस एफ, और डी नंबर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, ये हमेशा पूछा ही जाता है, इसको रट लीजिएगा, कंट्रोल प्लस एफ हो जाएगा, फाइंड, रेप्लेस और हाइपरलिंक, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं 90%, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल एफ, फाइंड की शॉर्टकट की जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल एक प्रकार का होता है? नंबर एक है ऑप्शन, बी नंबर है फॉन्ट, सी नंबर है टेबल, डी नंबर हार्डवेयर। तो एरियल, आई होप आपने सुना ही होगा नाम इसका, जानते ही होंगे लेकिन कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रकार का फॉन्ट होता है यानी लैंग्वेज। जब आप फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो आपके पास डायलॉग बॉक्स होता है कि कौन सी लैंग्वेज में हमें टाइप करना है, तो आपको बहुत सारे स्टाइल देखने को मिलते हैं। अब कोई ऐसे लिखा होता है, कोई ABC है ना, कोई स्टाइल में लिखा होता है, तो वही होता है हमारा फॉन्ट। तो एरियल आपका एक जनरली फॉन्ट होता है, बी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में मदद के लिए वैकल्पिक बटन कहाँ होता है? तो नंबर एक टाइटल बार, नंबर बी हॉरिजॉन्टल बार, सी नंबर स्टेटस बार, डी नंबर हेल्प बार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, टाइटल बार में आपको मिल जाएगा, ठीक है, हेल्प का बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटेल i3 एक प्रकार का होता है हार्डवेयर? बी नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी नंबर माइक्रो प्रोसेसर, डी नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपने सुना ही होगा इंटेल i3
i5 i7 ये सब हमारे प्रोसेसर होते हैं न्यू जनरेशन के, ठीक है, जो कि डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले बहुत जैसे कि अभी कुछ दिन पहले डबल कोर चलता था, फिर i3 फिर i7 i5 फिर ऐसे ऐसे प्रोसेसर बढ़ने लगे, तो i3 प्रकार का आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट आदि की प्रतिकृतियों को हमारे कंप्यूटर में स्टोर करता है। नंबर एक है FTP, बी नंबर कुकी, सी नंबर टेम्प, डी नंबर नन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ये क्वेश्चन को मैंने कई बार बताया है, आप लोगों को मालूम ही होगा। अगर उन वीडियो को नहीं देखा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो सारी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन सा ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, निम्न में कौन डेटा का हस्तांतरण नहीं करता। तो नंबर एक है फोन लाइन, बी नंबर माइक्रोवेव, सी नंबर कोजिकल केबल, सी डी नंबर है मॉडम। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, मॉडम। जो आपका मॉडम होता है वो आपके डेटा को हस्तांतरण नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड 8 बिट का होता है। ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी नंबर, यानी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉनिटर तथा प्रिंटर पर नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मॉनिटर तथा प्रिंटर पर नियंत्रण करता है। जी, ये नियंत्रण करता है, तभी तो आपका जो प्रिंट है प्रिंट निकलता है, जो भी वो एक्शन लेते हैं आपको प्रोसेस करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सारे कार्यों को मैनेज करता है, ट्रू हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ग्राफिकल ब्राउजर का आविष्कार मार्क एंडरस ने किया। तो जो पहला आपका ग्राफिकल ब्राउजर था उसका आविष्कार हमारे मार्क एंडरस ने ही किया था। तो राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है दूसरे डिटेल में पूछ लिया जाए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के अलावा। जैसे हो सकता है कि पहले वेब यानी कि पहले ग्राफिकल ब्राउजर का आविष्कार किसने किया, तो उसमें आपको चार ऑप्शन मिलते मिल सकते हैं, मार्क एंड्रस, चार्ल्स वेबर्स, मार्क जुकरबर्ग, है ना, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट। तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा वहाँ पर मार्क एंड्रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आकार में सबसे छोटे होते थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फास्ट। अब फास्ट क्यों होगा मैं आपको बता दूँ, जो पहला कंप्यूटर यानी कि पहली पीढ़ी थी उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जिस वाइज जनरेशन घटती गई, यानी कि फिर 4th जनरेशन, फिर 3rd जनरेशन, है ना, आप लोगों के जो न्यू जनरेशन आ गई है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपके कंप्यूटर छोटे होने लगे। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, छोटे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ISDN सर्किट स्विचिंग पर आधारित प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या कमेंट आप करेंगे तब भी बता दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि ये ट्रू होगा कि फाल्स होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं और भी वीडियो आप लोगों के लाने, और भी क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी इस चैनल पर, अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी अगर पूछना चाह रहे हैं तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।